हेलो फ्रेंड्स, सुमिता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बालों से परेशान है टूटते झड़ते और सफ़ेद बालों से, तो उसके लिए मैं होम रेमेडी लेके आई हूँ। और वो भी आपके कुछ ही टाइम में बाल इतने तेज़ी से काले हो जाएंगे और इतने घने हो जाएंगे, लेंथ भी उनकी बहुत ही स्पीड से ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आप एक सीक्रेट चीज़ मिलाकर आप शैम्पू में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और कुछ ही टाइम में आपको एक से दो दिन में भी बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से मिला के और बालों को धोओगे तो और इतने सिल्की और शाइनिंग बाल हो जाएंगे कि आप देख के खुद ही चौंक जाओगे। वाइट बालों से भी हैं परेशान, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर बना के ट्राई करें, आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है, एक पैन ले लिया, इसमें हमने डाल दिया है आधा लीटर पानी ले लिए हैं। तो पानी को आपको तब तक इसको उबालना है कि इसका पानी आधा न रह जाए। तो इसमें सबसे सीक्रेट चीज़ हम जो डाल रहे हैं वो है कड़ी पत्ते। इससे बहुत ही जल्दी बाल है जो काले होते हैं, जो भी अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है बढ़ते बढ़ते, तो आप स्पीड से इससे ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेथी है, मेथी हमने एक चम्मच ली है। तो मेथी के भी फायदे इसके अनेक है कि मैं आपको गिना नहीं पाऊँगी। बालों के लिए इतने सिल्की और शाइनिंग बालों को बहुत ही ज़्यादा करती है। और यह हमने ले लिया एक चम्मच, हमने चाय पत्ती ले लिए हैं। चाय पत्ती का भी आपको मालूम ही होगा कि कितने ज़्यादा फायदे हैं बालों के लिए। जब भी आपके बाल अगर बढ़ने से रुक जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही स्पीड से काम करती है। और जो भी बाल अगर आपके सफ़ेद हो गए हैं तो उनको बहुत ही जल्दी ये काले करने में भी मदद करती है। और इसको इस तरीके से आपको उबाल कर तैयार करना है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से उबाल आने लगे। जब तक आपको पकाना है कि इसका अच्छे से इसका कस छूट जाए, चाय पत्ती और मेथी दाने और इसका मीठी नीम का कड़ी पत्ते भी बोल सकते हैं इसको। और बहुत ही अच्छा ये हेल्दी बालों के लिए बहुत ही हेल्दी रेमेडी है। तो आप इस तरीके से बना कर स्टोर करके एक महीने के लिए भी रख सकते हैं। अगर एक महीने के लिए स्टोर नहीं करना है तो आप इसको हफ्ता में एक बार बना के रिस्टोर कर सकते हैं। इसको दो से तीन बार बालों में आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही सिल्की शाइनिंग बिल्कुल इतने लंबे बाल हो जाएंगे कि आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि इस तरीके से रेमेडी बना के तैयार करोगे। तो देख सकते हैं अच्छे से इनमें उबाल आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनका कस भी छूट चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। तो गैस हमने इसकी बंद कर दी है। इसमें एक सीक्रेट चीज़ जो मिलाएंगे, आपको दोबारा से भी शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार में लगा के और 15 से 20 मिनट के लिए आप इस तरीके से रख लोगे, तब आपको एक बार वॉश करना पड़ेगा इसको। तो ये हमने एक छन्नी लेकर एक बाउल में इसको छान के तैयार कर लिए हैं और इसमें ऐड कर देंगे एक शैम्पू का पाउच। जो भी आप अगर शैम्पू यूज करते हो वही आप इसमें लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। और आपको सीधे एक बार ही लगा कर आपको वॉश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लगाओगे तो आपके बाल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और इतनी स्पीड से इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और इतनी स्पीड से ग्रोथ होगी, बालों की लेंथ भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जो हमने शैम्पू लिया है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें एक पाउच या दो पाउच डाल सकते हैं, जितना आपके बालों में शैम्पू लगाना है उतना ही आप इसमें डालें। और इस रेमेडी को जो हमने ये पानी बना के तैयार किया है, इसका रेमेडी बना के तैयार किया, तो इसको धीरे धीरे करके हल्के हाथ से आपको बालों में मसाज करनी है और 10 से 15 मिनट या 20 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो इसको लगा कर अप्लाई करके छोड़ देना है आपको। फिर बाद में आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से आपको लगाना है, मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊँगी। तो आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें दोबारा से आपको शैम्पू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से लगाओगे तो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके फॉलो करें। तो इस तरीके से लगा कर आप 10 से 15 मिनट के लिए रखना है आपको और फिर बाद में नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है। आपके बाल अगर धोती टाइम में भी अगर टूट रहे हैं तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे, एकदम रुक जाएंगे बाल है जो टूटते हुए, और बहुत ही अच्छे शाइनिंग और सिल्की बाल होंगे। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और बहुत ही परफेक्ट और आपके बालों के हेल्दी तरीका है। आप इस तरीके से बना के रेमेडी को तैयार करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।